request you to speak a few words. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे मंत्री जी विनय कुमार तर्के जी, माफी चाहता हूँ। अच्छा, और श्री विनय कुमार सोरके, हाजी बीएम फारूक फिजा, जी ए बाया बेंगलोर, श्री करुणा कर एम शेट्टी, श्री मंजुनाथ हेगडे बेंगलोर, इब्राहिम शरीफ, हाजी अब्दुल अथरादी के अशरफ निजर, परका ला रजब बियारी, मोहम्मद अशरफ, के एस सैयद अली, मोहम्मद हनीफ मणिपाल, मोहम्मद रफीक पुदिगे, पी के इशाक पुदिगे, एच अहमद मुंबई, इस्माइल शेख अहमद, और लंबा खींचूंगा तो रात हो जाएगी। भाइयों बच्चों, आज इस महफिल में आप लोगों के साथ शिरकत लेते हुए मुझे बेहद खुशी महसूस हुई, रूहानी खुशी महसूस हुई। आप लोगों की ये मस्जिद देखकर, साफ सफाई देखकर, बच्चों का वलवला और जोश देखकर मुझे बहुत इत्मीनान मिला। और साथ ही साथ जितने मेरे दोस्त मिले अभी यहाँ आते वक्त मुझसे मिले, और मैं हालांकि पहली बार मिल रहा हूँ सबसे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं सबको आपको जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी एक मकसद से। हर इंसान को किसी भी काम करने का एक मकसद चाहिए, मकसद के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मेरा मकसद ये था कि मैं इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक मजबूती पैदा करूं, ऐसी मजबूती कि हमारा मुल्क मजबूती से खड़े रहे दुश्मनों के सामना करते हुए। इस मुल्क में जब तक हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई और जितने हैं मजहब, दलित भाई, मिलकर नहीं काम करेंगे, इस देश का कोई तरक्की नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम लोग कितना भी अल्लाह अकबर कह लें, हमारे हिंदू भाई जितना भी जय श्री राम कह दें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो महज एक दो मिनट का एक झलक है, आपको खुशी महसूस होगी कि भाई मैं जज्बात हो गया हूँ, जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन हमारा मकसद क्या है? हम इस मकसद को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल इल्म के ज़रिए उनको अपने पैरों पे खड़ाना है। इल्म के बगैर आदमी मायूस, लाचार, टूटा हुआ होता है। इल्म एक उसके हाथ में तलवार जैसी होती है, ढाल जैसी होती है। मैंने इस मौजू पे एक अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है अस्सलाम अलैकुम वतन। आपने देखा ये जो अभी थोड़ा सा नमूना, उसमें मेरा मैसेज क्या था, यही है कि हर मुसलमान को अपनी हैसियत बढ़ाएं। पहले ये छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ तो मुझे इनका मुस्तकबिल याद आता है, ये बड़े होके क्या बनेंगे, एक इंजीनियर बनेंगे, एक कुछ भी बड़े अहदेदार बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे, लेकिन कैसे हो सकता है ये?
सिर्फ इल्म की ताकत, इल्म की ताकत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। ऐसी महफिल बैठ के हम लोग अपना दिल बहला लिया, दिल के बहलाने को यह गालिब ख्याल अच्छा है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, कहावत है पुराना। तो हम लोगों को जोर और तवज्जो देकर हमारे मकसद को पूरा करना है। मकसद क्या है? हिंदुस्तान को जिंदा रखना है, आपसी मेल मिलाप रखना है, हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बढ़ाना है। हर मजहब का जो आदमी इंसान है हिंदुस्तान में, उसका पूरा हक है। हमारा ऐन संविधान जो है उसकी गारंटी देता है, और उस अल्म को हम ऊंचा रखें और आपस में छोटे भेदभाव नहीं रखें, ये बेहतर है। आज हमारे भाई को देखकर मंत्री जी हमारे बाजू बैठे हुए, मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि ये मुसलमानों का दरिया है। मैंने कहा चलो एक हिंदू भाई भी साथ में बैठे हैं। तो मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग और आगे तरक्की करें। मैं मेरी तरफ से, मैं जब कभी कुछ चंदा देता हूं किसी मस्जिद को या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, मैं अनाउंस नहीं करता हूं। मैं जो भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं मेरे दोस्त मंजुनाथ के जरिए मैं बता दूंगा आपको। और मैं चाहता हूं कि मस्जिद बहुत सलामत रहे, इस्लाम की जो भी तालीम है वो सलामत रहे, लेकिन आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहता हूं, लफ्ज़ मदरसा सिर्फ ये नहीं है कि कुरान की तालीम, कुरान शरीफ की तालीम, इबादत वगैरह, लेकिन उसके साथ पुराने यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग होती थी, फिलॉसफी होती थी, एल्जेब्रा होता था, मैथमेटिक्स होते थे, वो मदरसे थे, उसको मदरसा कहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने मदरसे को क्या किया, सिर्फ एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया आपस में फूट डालने के लिए। मुसलमानों के हाथ बांध दिए कि भाई आपको वहां मदरसे में रहो, आप कुरान शरीफ की तिलावत करते रहो। भाई इल्म, हम सिर्फ अगर कुरान सीखना है मस्जिद में जाकर, कहीं भी मदरसे में जाकर, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ इल्म, 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 इल्म। हजरत रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार उनको देखा था नूर अल्लाह का, उन्होंने कहा था, अल्लाह ने फरमाया था कि इकरा, पढ़ो। तो कहते थे कि मैं अनपढ़ हूं। तो ये मैसेज जो है हमारे रसूलुल्लाह ने जो दिया है, हमारा पैगाम, इल्म की ताकत से इस्लाम सारी दुनिया में फैला और ऐसे ऐसे करामात किए, सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज में, केमिस्ट्री में, एल्जेब्रा, कीमिया, ये सब अरबों की देन है, इस्लाम की देन है। आज एक जमाना था अगर 100 आर्टिकल आते थे 80 आर्टिकल मुसलमानों के होते थे, आज वो 100 आर्टिकल्स में सिर्फ 4 या 3 हो गए हैं। वो कहाँ गया मुसलमान जो थोंसली वाले? सिर्फ ये नहीं कि 5 वक्त में नमाज, मैं भी नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त की, ये लाजिम है, फर्ज है, जरूरी है, लेकिन इसके साथ इल्म, दुनियादारी। ये भी कहते हैं कि जब एक पड़ोसी भूखा है तो मैं खाना नहीं खा सकता, पड़ोस को मैंने पहले खाना खिलाना है, फिर मुझे खाना खाना है। अगर किसी बुजुर्ग को मैं देखता हूं तो रास्ता है उसका, दिखाता हूं उसको, ये मेरा फर्ज है, ये सिखाता है। और इस्लाम जैसा मजहब है ही नहीं दुनिया में, जो एकतापन, अंग्रेजी में उसे कहते हैं एगल्टेरियन, एगल्टेरियन रिलीजन, ये ताकत से इस्लाम फैला। क्योंकि पुराने जमानों में यह था कि 16% लोग, 6% राजा होते थे, 10% उनके क्लर्क्स होते थे, बाकी 84% जो है वो होते थे चपरासी, नौकर, झाड़ू मारो,
कोड़े खाओ, उठो बैठो। ये नौबत थी। जब इस्लाम फैला दुनिया में, जब देखा कि इस्लाम की बराबरी है, मिसाल के तौर से मैं कहता हूं, इस्लाम इंडिया में फैला कैसे? जब मुसलमान एक सफ में खड़े होकर मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, तो एक मिसाल दे रहा हूं, एक दलित भाई दूर से बैठ के देखता है, फिर नमाज खत्म होने के बाद आता है, पूछता है, भाई ये आप लोग कौन हैं? बोले हम मुसलमान हैं। क्या है मुसलमान? बोले हम अल्लाह में यकीन रखते हैं और उनका रसूल, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं, आप लोगों में बराबरी है? बोलते बिल्कुल बराबरी है। अगर हमारे साथ बादशाह भी खड़े हो जाए लाइन में, तो बादशाह भी खड़े होगा, वो बादशाह आगे नहीं होगा। मतलब है एकतापन। तो उसने कहा कि भाई मुझे क्या करना होगा, मुझे भी मुसलमान बना दो, क्योंकि मेरी बेटी आपके बेटे से शादी कर सकती है, तो मुझे आपको अपने पनाह में ले लो। तो इसीलिए आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद है, 220 मिलियन मुसलमान हैं, पाकिस्तान से ज्यादा, 220 मिलियन मुसलमान हैं। ये इन मुसलमानों को एक हक देना है, क्योंकि हमने इस वतन को बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा दिया है, हिंदुस्तान का वजूद दिया है हमने। पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, एक राजा दूसरे राजा से तलवारबाजी करते थे। 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत ने एक मजबूत पहिया दिया हिंदुस्तान को, नाम हिंदुस्तान का दिया, और दिल्ली से सरकार चलती थी, केंद्रा सेंट्रल, वहां सब जाता था टैक्सेस। इसी तरह से हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना। तो आप लोग अपनी कंट्रीब्यूशन देखो कितनी बड़ी है, मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन कितनी बड़ी है, आप जरा तवज्जो कीजिए। तो ये याद रखते हुए हमारा मकसद क्या है, हमारे देश को, हमारे वतन को सबसे दुनिया का नंबर एक बनाना है, और इस बनाने में आपसी मेल मिलाप, झगड़े फसादात नहीं। ये हिंदू मुसलमान झगड़े एक बहुत गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है। ये सिर्फ, माफी चाहता हूं, चंद पॉलिटिशियंस करते हैं, आप नहीं, चंद पॉलिटिशियंस करते हैं। इसीलिए हमको सोच समझ के बच के रहना है। यहां जो जितने बड़े हैं बच्चे समझदार हैं, अपने बच्चों को ये मेरा पैगाम समझाएंगे। मेरी किताब अस्सलाम वालेकुम वतन अंग्रेजी में छपी हुई है, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ उर्दू कन्नड़ में वगैरह जब छपेगी तो आप लोगों को मैं कंट्रीब्यूट करूँगा वो किताबें यहाँ देखने के लिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत ममनून हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इतनी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको अपनी खुश तमन्नाएँ, नेक तमन्नाएँ पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।